गाइज आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग्स BGMI में 1.9.0 अपडेट का, जिससे आपका भी सेंसिटिविटी बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपका जीरो रिकॉल होने वाला है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको गेम प्ले में दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपका भी रिकॉल इतना अच्छा होने वाला है हर एक स्कोप के साथ, 2x, 3x, 4x, 6x, होलो एंड रेड डॉट, हर एक स्कोप के साथ आपका रिकॉल बिल्कुल जीरो होने वाला है। और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को इस वीडियो में क्लोज रेंज का भी बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग बताया। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट अच्छे से देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताया सब कुछ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आपका जो सेंसिटिविटी है हर एक मोबाइल में अच्छे से वर्क करने वाला है। और इस सेंसिटिविटी को बनाने से पहले मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स हुए, जैसे कि मॉडल हो गया, स्काउट हो गया, जोनाथन हो गया, स्नैक्स हो गया, सबका सेंसिटिविटी देखा। उसके बाद आप लोगों के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी का वीडियो लाके आया हुआ अभी, तो इस वीडियो को कंप्लीट अच्छे से देखें। तो गाइस चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग्स 1.0.9 अपडेट का BGMI में, ठीक है। तो जिससे आपका रिकॉइल जीरो हो जाएगा, जिससे आपका रिकॉइल बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोग बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को जो है सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपको नीचे देखने को मिलता है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी में आ जाना है। आने के बाद आपको क्या करना है, आप लोगों को जो सेंसिटिविटी आपको बताने वाला उस सेंसिटिविटी को चाहो तो इधर पर भी ऐड कर सकते हो सिंपली। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अलग सा पूरा गन का ही सेंसिटिविटी अलग से बना के आप लोग ऐड करना चाहते हो, तो फिर आप लोग सिंपली यहाँ पे ऊपर जो देखने मिल रहा है एडवांस सेटिंग, तो एडवांस सेटिंग में क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे इम्पोर्ट सिस्टिंग गन को अलग से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मेरा इम्पोर्ट सिस्टिंग गन सबसे पहले नंबर पे फिर मतलब ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग कैसे ऐड करना है किसी भी गन को, यहाँ पे सिंपली आप लोग यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कोई भी गन को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका इम्पोर्ट सिस्टिंग गन ऐड नहीं है, सिंपली आपको इम्पोर्ट सिस्टिंग गन यहाँ पे मिल जाएगा, उसको आप लोग सिंपली जाके ऐड कर सकते हो। मैं आपको दिखाने के लिए स्कारलेट कैसे ऐड करके दिखाया था, तो यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो स्कारलेट हमारा ऐड होकर आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग जो है इम्पोर्ट सिस्टिंग गन को ऐड कर सकते हो। तो इम्पोर्ट सिस्टिंग गन का बेस्ट सेंसिटिविटी आप लोग दिखाने वाला हूं, जिससे आपका जीरो रिकॉल होने वाला है हर एक स्कोप का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा इम्पोर्ट सिंगल में आ जाना है। आने के बाद देखिए आपको सबसे नंबर वन आपको देखने को मिल जाता है कैमरा सेंसिटिविटी। कैमरा सेंसिटिव आप लोग क्या रखना है, तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। तो कैमरा सेंसिटिव में सबसे ऊपर जो हमारा आता है थर्ड परसेंट नोस्कोप, तो थर्ड परसेंट नोस्कोप को कैमरा सेंसिटिव में रखना है 190 से लेके 200 तक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 200 रख देना है। उसके बाद फर्स्ट परसेंट नोस्कोप को क्या रखना है, फर्स्ट परसेंट नोस्कोप को आपके 200 रख देना है, ठीक है, इतना आपको रखना है। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड में जो है TPPM, तो TPPM को आपको 40 रख देना है। सेम टू सेम आपको APPM को भी 40 रख देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है स्कोप सेंसिटिविटी, जो स्कोप सेंसिटिविटी में आपका जो नंबर वन पे आता है रेड डॉट, तो रेड डॉट को आपको क्या रखना है यहाँ पे 165 से लेके आप लोग यहाँ पे इसको जो है 70 तक रख सकते हो, मैं यहाँ पे 168 रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो आता है वो होता है यहाँ पे 2x स्कोप, तो 2x स्कोप को क्या रखना है, 2x स्कोप को 35 से लेके 40 तक रख सकते हो, ठीक है। ऐसे पे 40 रख देना जो आपका सबसे बेस्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 3x स्कोप, तो 3x स्कोप को क्या रखना है 25 तक ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना सब कुछ बताऊँगा, ध्यान से आप लोग पहले देख लीजिए। तो आप लोगों को 4x स्कोप को क्या रखना है, 4x स्कोप को आपको यहाँ पे रखना है 20 तक, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 6 स्कोप, तो 6 स्कोप को क्या रखना है यहाँ पे 10 तक रख देना है, ठीक है। आप लोग बताओ कि भाई इतना कम क्यों सेंसी रख रहे हो, तो देखिए इतना कम सेंसी रखना का इसका रीज़न क्या है कि जो आपका जो कैमरा सेंसी है, कैमरा सेंसी का ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, आपका जो स्प्रे ट्रांसफर एम एक्यूरेसी से कोई भी लेना देना नहीं होता कैमरा सेंसी का। कैमरा सेंसी का बस काम है कि आप लोग जो कैमरा व्यू है वो दिखाना, ठीक है। तो आपका हर एक स्कोप का अलग अलग कैमरा व्यू होता है, इसलिए इसको इतना ही एडजस्ट करना है, इसका बहुत ज़्यादा एडजस्ट मत करो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे आपको ऐड करना है, ठीक है। तो कैमरा सेंसी आप लोग पहले अच्छे से देख लीजिए, तो कैमरा सेंसी हमारे यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है ADS सेंसिटिविटी, तो ADS सेंसिटिविटी में आपको क्या रखना है, 30% नो स्कोप को रखना है 140 तक, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फर्स्ट पर्सन नोस्कोप, तो फर्स्ट पर्सन नोस्कोप को रखना है 105 तक, ठीक है, इससे ज़्यादा मत रखो, ठीक है, इतना ही रखो। उसके बाद हमारा जो आता है TPPM, APPM, रेड डॉट, 2x, 3x, 4x, 6x, इसको मैं यहाँ पे क्या रखा हूँ 1% रखा हूँ। अगर आप लोग का ज़्यादा है तो आप लोग इसको 1% बिल्कुल कम कर दो, एकदम कम कर दो। क्यों कम करना है, अगर आप लोग जो है ना ऑलवेज जीरो प्लेयर हो, क्योंकि मैं इस सेंसिटिविटी को ऑलवेज जीरो प्लेयर के लिए बता रहा हूँ, ऑलवेज जीरो अगर प्लेयर हो आप लोग, तो इस सेंसिटिविटी को अगर ज़्यादा रखोगे तो आप लोग जब भी स्प्रे करोगे, अगर आपका स्प्रे करने के टाइम आपका उंगली अगर इधर उधर स्क्रीन पे लग गया ना, तो आपका स्प्रे जो है बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए इसको एकदम कम कर दो, ठीक है। इसीलिए जो है ना प्रोफेशनल प्लेयर ऐसे ही इसको सेंसी को रखते हैं, जिससे आप लोग भी देख सकते हो, मैंने जो फर्स्ट में स्प्रे किया था मेरा रिकॉल बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, तो इसी के कारण से नहीं हो रहा था, क्योंकि इस सेंसिटिविटी को कम रखना है। उसके बाद तो सेंसिटिविटी को एडजस्ट तो करना ही है, वो तो आपको बताऊंगा ही, ठीक है। आप लोगों को ADS सेंसिटिविटी बता दिया क्या रखना है आप लोगों को, तो आप लोग देख लो ADS सेंसिटिविटी। उसके बाद हमारा आता है
जो है जायरो सेंसिटिविटी, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी जो होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, थर्ड पर्सन नोस्कोप। तो थर्ड पर्सन नोस्कोप को यहाँ पे जो रखना है जायरो सेंसिटिव में, उसको आप लोगों को 400 रख देना है, ठीक है। 400 से कम मत रखो। क्यों कम मत रखो मैं बताता हूँ। देखिए जायरो सेंसिटिविटी का काम है, जब भी आप लोग क्लोज रेंज में, मतलब फर्स्ट पर्सन नोस्कोप एंड थर्ड पर्सन नोस्कोप का काम ही है कि पहले आपको दिखाता हूँ फर्स्ट पर्सन नोस्कोप को क्या रखना है। फर्स्ट पर्सन नोस्कोप को रखना है 235। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो ऊपर जो दो सेंसर आपको दिख रहा है, फर्स्ट पर्सन नोस्कोप एंड थर्ड पर्सन नोस्कोप, इन दोनों को जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे रखना है। रखने के बाद इसका काम क्या है अभी मैं बताता हूँ। देखिए इसका जो काम है ना, क्लोज रेंज में जब आप लोग क्रॉस हेयर के साथ इधर उधर लेफ्ट लाइट में जब आपका एनिमी को ढूंढते हो ना, उस टाइम जब आपका जो मूवमेंट करते हो लेफ्ट लाइट में गोली ना चला के, उस टाइम का मूवमेंट जो है फास्ट हो, इसीलिए इस सेंसिटिविटी को ज़्यादा रखना पड़ता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मत रखो, जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही रखो, ठीक है। इतना आपको रख देना है जिससे आपका क्लोज रेंज में हेड शॉट, ठीक है, वो सब का इंप्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। उतना रख दिया। उसके बाद हमारा आता है एडीएस सेंसिटिविटी में टीपीपीएम एंड एपीपीएम। तो टीपीपीएम आपका, एपीपीएम जो आपका जैसा है वैसा ही रखने दो। यहाँ पे मेरा 30 है, 30 रख रहा हूँ, और जो है टीपीपीएम को 30 और एपीपीएम को 20, इतना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है स्कोप सेंसिटिविटी, ठीक है। तो स्कोप में जो है फर्स्ट रेड डॉट आता है, तो रेड डॉट में आपको क्या रखना है, रेड डॉट को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को जो है रखना है 400 तक रखना है, फुल कर देना है रेड डॉट को, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जब भी रेड डॉट उसको आप लोग मतलब लेके जब राइट लेफ्ट करोगे, तो आपका जो स्कोप जो है ना गोली ना चला के जब राइट लेफ्ट करोगे ना, तो आपका बहुत फास्ट राइट लेफ्ट होगा, इससे आपका जो एनिमी को ढूंढने में बहुत फास्ट आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जो है यहाँ पे 2x स्कोप। तो 2x स्कोप को आपको क्या रखना है, 2x स्कोप को इसको 400 कर देना है, ठीक है। इसको भी हाईएस्ट रखना है, ठीक है, इसको भी हाईएस्ट रखना है। उसके बाद हमारा आता है 3x स्कोप। तो 3x स्कोप को आपको क्या रखना है, 3x स्कोप को आपको यहाँ पर रखना है 290 तक, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है 4x स्कोप। तो 4x स्कोप को आप लोग रखना है यहाँ पे जो है 280 तक। और उसके बाद हमारा आता है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट 6x स्कोप। तो 6x स्कोप को आपको यहाँ पे जो है ना 136 या 135 रखो, ठीक है। इतना आपको रख देना है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एडीएस सेंसिटिविटी भी बता दिया, मतलब सॉरी जायरो सेंसिटिविटी भी बता दिया, जो बेस्ट सेंसिटिविटी होने वाला है आप लोगों के लिए। तो जायरो सेंसिटिविटी को भी आप लोग अच्छे से एक बार देख लो। तो यहाँ पे जायरो सेंसिटिविटी हमारा हो जाता है। और अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी एडीएस जायरो सेंसिटिविटी, जिससे आपका रिकॉयल भी कंट्रोल होगा, जिससे आपका स्प्रे एकदम जीरो रिकॉयल होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो नंबर वन हमारा आता है यहाँ पे थर्ड पर्सन नोस्कोप। तो थर्ड पर्सन नोस्कोप को आपको क्या रखना है, 385 तक रखना है। उसके बाद हमारा आता है फर्स्ट पर्सन नोस्कोप, इसको आप लोगों को 235 तक रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है टीपीपीएम एंड एपीपीएम, इसको आप लोगों को 30 रखना है टीपीपीएम, और एपीपीएम को आप लोग रखना है 20 तक, ठीक है। इसको ज़्यादा कम नहीं करना है आपको, ठीक है। इतना रख दिया। इसके बाद आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी आता है, जिससे आपका रिकॉयल पूरा अच्छे से बैलेंस्ड हो जाएगा, जिससे आपका रिकॉयल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप अभी आप लोग ध्यान से पूरा अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले जो आता है रेड डॉट, ठीक है, रेड डॉट यानी हॉलो या फिर एम असिस्ट, ठीक है, जो भी है, इसको आप लोग क्या रखना है, इसको आप लोग रखना है 400 तक, ठीक है। इसको आप लोगों को 400 तक रखना है, इससे आपका जीरो रिकॉयल हो जाएगा। आप लोग रख के देखो एक बार, उसके बाद आप लोग बताना कमेंट में कि आपका रिकॉयल जीरो हुआ कि नहीं, ठीक है, मतलब एकदम कम हो जाएगा रिकॉयल आपका, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 2x स्कोप। तो 2x स्कोप को क्या रखना है, 2x स्कोप को आपको रखना है यहाँ पे 400 तक, ठीक है। तो 2x स्कोप को 400 रखना है, इसको भी 400 रख दिया। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे 3x स्कोप। तो 3x स्कोप को आपको क्या रखना है, 3x स्कोप को रखना है 300, ठीक है। 300 से ज़्यादा मत रखो, अगर आप लोग कम रखना चाहते हो तो आप लोग जो है इसको 295 से लेकर 300 के बीच में आप लोग रख दो, ठीक है। 300 रखो, सबसे अच्छा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 4x स्कोप। तो 4x स्कोप को आपको क्या रखना है यहाँ पे 280 तक, ठीक है, 280 आप लोग रख दिया। उसके बाद हमारा आता है मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा सबका फेवरेट है, वो है 6x स्कोप। तो 6x स्कोप को क्या रखना है यहाँ पे 135 तक, ठीक है। तो गाइज अभी आप लोगों के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी सीरीज बता दिया, जिससे आपका भी रिकॉल जीरो होने वाला है हर एक स्कोप का। तो फटाफट से जाइए और इस सेंसिटिविटी सीरीज को अपने गेम प्ले में ऐड करिए, और उसके बाद आपका भी रिकॉल जीरो होने वाला है। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, थैंक यू सो मच। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स और ड्रिल्स और सेंसिटिविटी सीरीज के बारे में वीडियो देखना है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके, थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है फटाफट से कमेंट में जाकर पूछिए, थैंक यू सो मच।